ट्रेडिंग करने के लिए तो आप कई सारी एप्लीकेशंस का यूज़ करते होंगे, उसी में से एक काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है 5paisa। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अपना न्यू अकाउंट 5paisa पर बनाया है तो आप कैसे फर्स्ट पेमेंट को अपने 5paisa अकाउंट पर ऐड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 5paisa एप्लीकेशन पर आप कैसे अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 5paisa एप्लीकेशन पर अपना फंड कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी शेयर बाय करने के लिए पैसे ऐड करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन पर तो वो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले 5paisa एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन अगर आप पहली बार अपना 5paisa अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन कर रहे होंगे तो उस समय आपको एक पिन क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको पहले पिन क्रिएट कर लेना, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। तो मैंने पिन सेटअप कर लिया है। अब आपको पिन इंटर करने के साथ ही इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप फंड कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे फर्स्ट पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टॉक्स का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। स्टॉक्स पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब सबसे कॉर्नर पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यूज़र का, तो आपको इस यूज़र के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपके सामने में इस तरह का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहीं से आप अपने फंड्स को ऐड कर सकते हैं। फंड ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड फंड का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के साथ ही आप अब यहाँ से आप अपने 5paisa एप्लीकेशन पर मिनिमम 50 रुपये एक बार में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से 50 रुपये को ऐड कर देता हूँ, और फिर कभी आप फ्यूचर में अगर उस पैसे को विड्रॉल करना चाहे तो आप इजीली उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको फंड्स ऐड करके बता देता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर वो अमाउंट इंटर कर देना है जो अमाउंट आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल मैं यहाँ पर 50 रुपये को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 50 रुपये को ऐड कर लिया। अब आपको यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि आपने अपने बैंक अकाउंट जो भी इस 5paisa एप्लीकेशन को क्रिएट करते समय दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट इसमें इंटर किया। अब मैं जिस भी UPI से इस पर पैसे ऐड करूँगा उस UPI में मेरा जो प्राइमरी अकाउंट होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई भी अदर बैंक को ऐड किए हैं और आप UPI से किसी अदर बैंक से इस पर पैसे ऐड करेंगे तो वो पैसे आपके ऐड नहीं होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको कई सारी UPI का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो गूगल पे पर मैं अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट यूज करता हूं, तो मैं यहां से गूगल पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। देन आपको कुछ सेकंड्स के लिए यहां पर वेट करना है। अब यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पर पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना UPI पिन इंटर कर पेमेंट को सक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना पिन इंटर कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंड जो है मेरे 5paisa पर ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, आपको कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पर अगेन वेट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने में एक पॉपअप भी ओपन हो गया और मुझे बताया गया कि मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो गया। मैं यहाँ से ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको एक बार पेज को रिफ्रेश कर देना है। अब यहाँ पर कई बार ये हो सकती है कि आप जैसे ही फंड को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको अगेन 00 ही आपका शो करेगा, यानी कि आपका पॉपअप तो आ गया है कि आपने फंड जो ऐड किया था वो सक्सेसफुली ऐड हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पर वो फंड शो नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगेन इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे में फंड ट्रांसफर का, अब यहाँ पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको एक आइकन दिखाई देगा जो कि मेरा बैंक अकाउंट है, आपके केस में आपका बैंक अकाउंट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 रुपये सक्सेस का एक पॉपअप है। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करने के साथ ही हो सकता है कि आपके केस में कोई भी पॉपअप ओपन नहीं हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे कॉर्नर पर एक ऑप्शन दिखाई देगा हिस्ट्री का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऐड फंड में जो 50 रुपये मैंने यहाँ पर ऐड किया था वो अभी पेंडिंग है, ये थोड़ी देर में अप्रूव हो जाएगा और मेरे बैंक अकाउंट पर ये पैसे ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी था अपने 5paisa एप्लीकेशन पर फंड को ऐड करना। आगे हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको 5paisa एप्लीकेशन पर फंड्स ऐड करने को लेकर सारी डाउट क्लियर हो गई होगी, और आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद जरूर ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर सही करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।